मुंगेर के तोपखाना बाजार निवासी बम्बम राय को राजद जिला प्रवक्ता मनोनीत होने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। बम्बम राय ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में उनको जो जिम्मेवारी दी गई है उसका वह बखूबी निर्वहन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की विफलताओं को जनता तक पहुँचाने और राजद के आइडियोलॉजी को प्रचारित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में काफ़ी कमी हो गई है, फिर भी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि करना जनता के शोषण करने से कम नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हो गया है। यह किसानों का शोषण नहीं है तो और क्या है। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग की स्थापना आदि। राज्य सरकार इसमें विफल साबित हुई है। इसके लिए यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इसे उखाड़ फेंकेगी। मौके पर प्रधान महासचिव बम्बम यादव, आदर्श कुमार राजा, जुनैद मखमूर, विजय यादव, राकेश मंडल आदि लोग मौजूद रहे। कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदाबाऊ, श्री तेजस्वी जी, इन लोगों के विचारधारा से, इन लोगों के आशीर्वाद से हमको मुंगेर जिला का प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। और हम भरसक प्रयास करेंगे और अंतिम क्षण तक भरोसा रखेंगे कि हम तीनों विधानसभा तारापुर, जमालपुर और मुंगेर आरजेडी के झोली में हम दें। और हम यही कामना करते हैं, जो पार्टी हमको जिम्मेदारी दिया है उसको बखूबी हम निभाएंगे। हम कोरोना में कहीं 2.5 महीना फंस गए थे, हम नहीं थे यहाँ पे, अभी हम आए हैं तो जगदाबाऊ के आशीर्वाद से हमको जो पद मिला गया है, माननीय श्री चितरंजन गगन जी के माध्यम से हमको जो मनोनीत किया गया है प्रवक्ता के रूप में मुंगेर जिला का, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हम ईश्वर से भी कामना करते हैं और बिहार के जनता से कामना करते हैं कि माननीय श्री तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें, और हम लोग ले चुके हैं। और इस बार विधानसभा चुनाव में जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, सब धाराशाही हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं चल पाएगा। और माननीय श्री तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बन करके उभरेंगे और पूरे जनता को वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरेंगे।